हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। भाई डीआरडीओ के परीक्षण से डरे पड़ोसी, और क्या किया, वो पहुंच गए यूएन में और बोल रहे हैं कि भारतीय हथियार बैन करो, तुम्हारे डर से हम अपने हथियार बैन कर देंगे। और किसके पास जा रहे हो? यूएन। अब हम यूएन को घास भी नहीं डालते, समझ में आ गई है। उस यूएन ने हमारी, मतलब हमारे देश में इतनी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी हैं जो पीओके को लेके हम बैठे हुए हैं। अब तो यूएन को सुनना ही नहीं हमने, पहले हमें वीटो पावर दो फिर आगे बात करेंगे। और तुम रोते हुए वहीं जाया करो, तुम्हारे पास और तो कुछ करने को है ही नहीं, बस ये यही कर सकते। और ये पड़ोसी देश कौन होगा? पाकिस्तान, लिखवा लो। तो चलो वीडियो शुरू। नॉर्मली सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स के लिए लोग जाते हैं कि न्यूक्लियर वेपन्स में बहुत डेंजरस है अर्थ के लिए, उसके अलावा आई डोंट थिंक कि कोई जाता होगा। देखते हैं इनको कौन से वाले से इतनी तकलीफ हुई है, या तकलीफ तो नहीं, डरे हैं ये, डरे हैं, इनकी जान निकली है डर से। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारत का रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ लगातार एक के बाद एक नई मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है, जिसके तहत आधुनिक हथियार तो डीआरडीओ बना ही रहा है, इसके साथ ही जो पहले की मिसाइल है उनको चार को मारता है। वहीं जिन क्षेत्रों में अभी भारत पिछड़ा हुआ है उस क्षेत्र में दूसरे देशों से मदद ले रहा है, या फिर दूसरे देशों के हथियार भारत अपने देश में मंगा रहा है, चाहे फिर वह राफेल फाइटर जेट हो या फिर S-400। और इन्हीं बढ़ती भारत की ताकत को देखते हुए भारत का पड़ोसी देश भारत के हथियारों की शिकायत लेकर यूएनएससी, वहीं यूएनएससी पर इस पर रोक लगाने की मांग कर रहा है। अब कौन सा देश है जो भारत के हथियारों से इतना डरा हुआ है, जानेंगे इस वीडियो में। इसके अलावा भारत की डीआरडीओ के एक ऐसे परीक्षण के बारे में भी हम बात करेंगे जिसने रिकॉर्ड बना दिया है, और भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश है। दोनों ही खबर काफी ज्यादा है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको डिफेंस से जुड़े टॉपिक में इंटरेस्ट है तो आप हमारा इनसाइट नॉलेज चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि हम डेली डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपके लिए लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। स्क्रीन पर नव भारत टाइम्स का एक आर्टिकल देख सकते हैं जिसमें लिखा हुआ है भारत के घातक हथियारों से बौखलाया पाकिस्तान, इसको लेकर यूएनएससी से गुहार लगाई है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने अप्रत्यक्ष तौर पर भारत को दुनिया से मिलने वाले हथियारों पर ऐतराज जताया है। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान के उप स्थायी प्रतिनिधि राजदूत मोहम्मद उस्मान इकबाल जादून ने शुक्रवार को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत का नाम लिए बिना कहा कि दक्षिण एशिया में एक स्टेट को पारंपरिक हथियारों की आपूर्ति चिंता का सबब है, यह अस्थिरता को बढ़ावा दे रही है और तनावग्रस्त क्षेत्र में शक्ति संतुलन को खतरे में डाल रही है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा कि दुनिया को और यूएनएससी को दोहरे चरित्र को नहीं अपनाना चाहिए, यानी कि उनके कहने का मतलब यह है कि जिस तरह से दुनिया की सुपर पावर कंट्री भारत को हथियारों में मदद कर रही है और कुछ देशों को हथियार अगर खरीदने हैं तो उनके ऊपर बैन या फिर इंटरनेशनल दबाव बनाया जाता है, ये दोहरा चरित्र है ताकतवर देशों का और यूएन का, वही ऐसा नहीं करना चाहिए। उनका इशारा सीधे सीधे भारत की तरफ था, क्योंकि भारत को इस समय अमेरिका, रूस, फ्रांस, हर सुपर पावर कंट्री हथियारों की सपोर्ट कर रही है। वहीं पाकिस्तान को ये बात अच्छे से पता है कि भारत के बढ़ते हथियारों की ताकत उनके लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनकर सामने आएगा। हालांकि दोस्तों, इन्हीं सब के बीच में पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों वाली धमकी भी दी है। पाकिस्तान के प्रतिनिधि ने कहा कि अगर दो देशों के बीच शक्ति संतुलन इतना ज्यादा बिगड़ जाएगा तो युद्ध का खतरा और ज्यादा हो जाएगा। एक देश दूसरे देश पर दबाव बनाएगा जिससे दो परमाणु संपन्न देशों के बीच में परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ सकता है, जो कि पूरे विश्व के लिए खतरा है। अब दोस्तों, यूएन में इस तरह के बयान पाकिस्तान इसलिए दे रहा है क्योंकि पाकिस्तान को विश्व का कोई भी देश इस समय हथियार पहले के समय में अमेरिका काफी ज्यादा हथियार पाकिस्तान को दिया करता था। अमेरिका के अलावा चीन तो हमेशा से ही उसको सपोर्ट करता आया है, लेकिन चीन ने भी पिछले कुछ समय से हथियार पाकिस्तान को कम देना शुरू किया है। इसके पीछे का कारण यह है कि पाकिस्तान अपना बकाया अभी तक चुका नहीं पाया। वहीं चीन उधार पर हथियार फिलहाल नहीं देना चाहता। वहीं कई और देश छोटे छोटे हथियार पाकिस्तान को पहले उपलब्ध कराते थे, फिर चाहे उसमें फ्रांस हो या फिर स्वीडन जैसे देश, लेकिन इन देशों ने भी भारत से मजबूत होते संबंधों को देखते हुए पाकिस्तान से हथियार डील करना पिछले 5 से 8 सालों में बंद कर दिया है। यही सब वजह
है कि पाकिस्तान न तो खुद हथियार बना पा रहा है और न ही दूसरे देशों से हथियार ले पा रहा है। इस वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच में हथियारों को लेकर जो गैप है वह बढ़ता ही जा रहा है और इन्हीं सबसे घबराया हुआ पाकिस्तान और इस तरह के बयान यूएन में दे रहा है। बहरहाल बढ़ते हमारी दूसरी खबर की तरफ जो कि डीआरडीओ के एक और बड़े परीक्षण को लेकर है, यकीनन चीन और पाकिस्तान में और खलबली मचा देगी। दरअसल हाल ही में डीआरडीओ ने एक वीडियो जारी करके आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम का परीक्षण किया है, वहीं इसके बारे में खबर दी है। ये परीक्षण भारत की डीआरडीओ के लिए बेहद ज्यादा खास है। इसके पीछे की वजह यह है कि भारत की आकाश मिसाइल ने एक बार में 4 टारगेट को सफलतापूर्वक नष्ट किया। ये इस तरह का ऐसा पहला परीक्षण था और इसकी बकायदा डीआरडीओ ने वीडियो भी जारी की। डीआरडीओ ने आकाश की सिर्फ सिंगल फायरिंग यूनिट का इस्तेमाल करते हुए 4 एरियल टारगेट को नष्ट कर दिया। इस तरह का डेमोन्स्ट्रेट करने वाला भारत दुनिया का पहला देश भी बन गया। ये बेहद ज्यादा कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया है और ये भारत के स्वदेशी हथियारों की ताकत को दुनिया भर के देशों को दिखाने के लिए काफी है। ये परीक्षण 25 किलोमीटर के एरिया में ही किया गया, यानी कि आकाश मिसाइल 25 किलोमीटर से आ रही किसी भी हवाई खतरे को आसानी से डिटेक्ट करके उसको नष्ट कर सकता है और ये बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि युद्ध के समय ज्यादातर जो झड़प होती है वह पर्टिकुलर एरिया में ही होती है क्योंकि एकदम से कोई भी देश बड़ी बड़ी मिसाइल से पास है ना, इसलिए हमने सिस्टम का महत्व भारत के लिए और भी ज्यादा बढ़ जाता है। साथ ही दोस्तों, इस सफल परीक्षण के बाद भारत के आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम के खरीदारों में भी बढ़ोतरी होती हुई दिखाई हमें देगी। वहीं पर ऑलरेडी BDL कंपनी के ऑर्डर बुक में एक बड़ा ऑर्डर शो हो रहा है, वह आर्मेनिया ने दिया है या फिलीपींस ने दिया है ये अभी तक कंफर्म नहीं हुआ, लेकिन काफी सारे देश भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम को लेकर इंटरेस्टेड है। दोस्तों, DRDO के इस परीक्षण के लिए और भारत के वैज्ञानिकों के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद लिखना ना भूलिएगा। साथ ही दोस्तों, अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके हमारी आने वाली डेली ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद। मैं एक बहुत अच्छा सजेशन दूंगी पाकिस्तान को, तुम वहीं पे जहाँ ये ऑफिस है ना यूएन का, वहाँ बाहर एक झोपड़पट्टी, एक कैंप, एक वो बना लो कुटिया सी और वहीं पे रहो, क्योंकि रोज तुम्हें रोते हुए जाना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि भैया हमें बचा लो इंडिया से, वो बहुत ताकतवर हो रहा है। और इनकी क्यों इतनी फट रही है, इतना क्यों घबराए हुए हैं, वो इसलिए कि उन्हें पता है कि अगली बारी भी मोदी जी ने आना है और अभी इतनी प्रेपरेशन हो रही है पहले से ही, मोदी जी के आने से पहले ही, सेकंड फिर से थर्ड टाइम आने से पहले ही, कि देखो इतना ताकतवर हो रहे हैं, इस टाइप के हम लोग वेपन्स बना रहे हैं, वेपन्स खरीद रहे हैं, कि वो घबराए हुए हैं कि अब जब नेक्स्ट मोदी जी आएंगे तो क्या हमारा हाल होगा। उससे पहले वो कोशिश करें कि यूएन के पास जाकर रोना रो लें, शायद कुछ हमारा हो जाए। पैसे हैं नहीं, कंगले हैं, खरीद पा नहीं रही है वेपन्स, और देख रहे हैं कि इंडिया इतने ग्रेट ग्रेट वेपन्स खरीद भी रहा है और बना भी रहा है, अपने में औकात नहीं है, तो अब उनके पास और कोई चारा नहीं सिवाय रोने के। देखिए, ऐसे कोई यूनाइटेड नेशंस में आप जा नहीं सकते, ऐसे बोल नहीं सकते। अब रशिया इतनी तेजी से वेपन्स बना रहा था तो आसपास के लोग तो गए नहीं रोते हुए, यूएसए बना रहा था आसपास के लोग रोते हुए नहीं गए, तो हर एक की अपनी रिसर्च एंड डेवलपमेंट है और बन रहे हैं। और हमारा मेन टारगेट जो है वो पाकिस्तान नहीं है, चाइना है। हम चाइना के साथ साथ पहले पाकिस्तान को करके फिर चाइना के पास जाएंगे। पाकिस्तान तो बच्चा है, उसको उस पहले बच्चे को खत्म करेंगे, इसलिए वो बच्चा रोता रहता है सारा दिन, तो उसको पहले खत्म, उसको बस रोने का मौका है। और मेन हमारा टारगेट चाइना है, जिसके पास हमें जाके उसको करना है। चाइना को भी तकलीफ हो रही होगी आकाश के बारे में पता कर, तो उसने पाकिस्तान को भेजा ना, बच्चे को भेजा, तू जाया, पहले अपने बच्चे को भेजता है, उसको पता है बच्चा कुछ नहीं कर पाएगा, बच्चा से रोने के अलावा कुछ करता ही नहीं। इवेंचुअली इतना जैसे वो कह रहे हैं कि उनपे दबाव पड़ता है, ऐसे दबाव पड़ेगा, और गोल यही है कि POK वापस आए, आएगा बेटा, सब कुछ वापस आना चाहिए, देखते जाओ आएगा। जिस तरह वो लोग अगर कुछ शुरुआत करते हैं तो उनको ऐसा जबरदस्त सबक मिलेगा और POK वापस आएगा, बिल्कुल। तभी तो घबराए में कि अब हम कुछ कर तो सकते नहीं है। डिफरेंस बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया इतना बढ़ता जा रहा है कि उनकी जान सूख रही है कि अब अगर कुछ हुआ तो हमारे, हम तो मुकाबले में खड़े तक नहीं हो सकते हैं, इसलिए ये जो है रो रहे हैं। और इनके मुंह से खुद ही निकल गया कि पावरफुल देश जो था हमारा कौन है, भारत, देख मुंह से निकला उनके। तो चलो अभी शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।